मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 जून 2022 के सकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने आज मुरली में प्रश्न पूछा कि कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सभी मच्छरों से दृश्य जाएंगे अपने स्वीट होम, और फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। यह बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। तो बाबा ने एक और प्रश्न पूछा कि बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं। तो उत्तर में बाबा कहते, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। मुरली का गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? यह बाप ही कह सकते हैं ना, सन्यासी उदासी कोई भी कह ना सके। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं कि अब धीरज धरो। बच्चे ही जानते हैं कि ये बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं। यह तो दुख धाम है, इसके बाद फिर सुख धाम को आना ही है। सुख धाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए ना। निश्चय होता है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहां से आए। बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियां। इतने सब बीके कहलाते हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही मात पिता है, और सबको तो अलग अलग मात पिता होते हैं, और यहाँ तुम सबका एक ही मात पिता है। नई बात है ना, तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। यह ब्राह्मण है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं। भगवान ही समझाते हैं। अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोप वासी यादव भी हैं जिन्होंने बॉम्ब्स आदि की इन्वेंशन की है, यह भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाते हैं, बच्चे धीरज धरो। अब यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। कलयुग खलास हो तब तो सत्युग होना, जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और शंकर के द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, यह है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। कोई ने कभी सुना ही नहीं तो समझते हैं कि जैसे और मठ पंथ होते हैं वैसे यह बीके भी है। उन विचारों का कोई दोष नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे ही विघ्न डाले थे। ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को, वो ही राजयोग सिखलाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का भी अर्थ समझते नहीं है, इस संगम युग की बात है। पतित और पावन तो संगम हुआ ना। सत्युग आदि में है ही एक धर्म, वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं, यह भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे। बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य हैं चार, उनके चार धर्म शास्त्र हैं। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म,
जिसका शास्त्र है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी। इनको कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो ये कुंभ का मेला है, आत्मा परमात्मा का मेला। यह है सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सत्युग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सत्युग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं कम होती जाती हैं, अकल्याण होता ही जाता है। फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण हो जाता है, तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है। जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा भी संगम पर। सर्व का सदगति दाता बाप है, सर्व तो द्वापर में नहीं है, सत्युग देवता में भी सब नहीं है। बाप आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती हैं, तो बाप ही आकर धीरज देते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी ले चलो। बाप कहते हैं, नहीं बच्चे, यह ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है, बच्चा बना माना वर्षे का हकदार बना, परंतु फिर वहां भी नंबरवार मर्तबे तो है ना। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े, ऐसा लॉ ही नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8-10-15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है, जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मतीत अवस्था को पहुंचे। बाप कहते हैं, जितना हो सके अपने घर को याद करो, वह है शांति धाम, वाणी से परे स्थान वह है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, 3 लोक भी तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। भल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा है, हमारा बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वे परम धाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, वापिस तो कोई जा ना सके। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहां से जाओ दरवाजा सामने आ जाता है, निशाने पर जा नहीं सकते, थक जाते हैं तो फिर रड़ी मारते हैं कि कोई रास्ता बतावे। यहाँ भी भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं कि हम कहाँ जाते हैं। सिर्फ कह देते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत में समाया। बाप कहते हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, यह कायदा है। सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदल, यह भागा घर, फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं। यह फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जानते हो हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। पुनर्जन्म तो होते हैं ना, 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। अब यह नाटक पूरा हो गया है, सबकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है। अब फिर से रिपीट होगा, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तुम जानते हो अब हमारा पाठ पूरा होगा, फिर वापस जाएंगे। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़ी है। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ, उठते बैठते चलते ये दिल में रखो कि हम एक्टर हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब बाप आया है गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को पावन बना रहे हैं, पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी,
पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है, हम हैं ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे, हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी होती है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के पत्ते जो हैं, वे सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यही भारतवासी धर्म कर्म श्रेष्ठ थे, कभी माया पाप नहीं कराती थी। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, वहां रावण होता ही नहीं, वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं और फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है। वहां तो विकर्म हो न सके, कोई भ्रष्टाचारी हो न सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व का मालिक बनते हो श्रीमत पर, बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन न सके। तुम जानते हो या अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पाठ ही नहीं है। दिखाते हैं दो बिल्ले लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार भी करते हैं, कृष्ण के मुख में माखन, यह सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की, तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई, तो झट कोई ना कोई को मार देंगे। भारत में तो पहले ही एक धर्म था, फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहां से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे तब उन्होंने राज्य किया, अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है। यह है फिर गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी ये बात है। बाप समझाते हैं, यह विकार तुम्हारे आधाकल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है। उनको थोड़े मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है। भारतवासियों को तो मालूम है, तब तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग की कितनी महिमा है तो जरूर यह खेल है, परंतु किसको कहो कि तुम नरकवासी हो तो वो बिगड़ पड़ते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक से गया ना, फिर तुम उनको बुलाकर नरक की चीजें क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे ना, इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है, है ना? वहां क्या क्या है बच्चों ने सब देखा है। नरक में देखो क्या क्या करते रहते हैं, बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं करते हैं, और स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। भारत पर एक गीत बना हुआ है, एक तरफ कहते हैं कि क्या हो गया आज के इंसान को, और फिर कहते हैं कि भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़े ही है, अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। नई बात नहीं है, कल्प 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 के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेते हैं। बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है, बाप कहते हैं कि माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं, उनका धंधा ही ये है, प्रोफेशनल हैं, उनको फिर इनाम भी मिलता है। और यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है जो तुम्हें माया से छुड़ा देते हैं, तुम फिर हो शिव शक्ति सेना। माताओं को ऊंच रखा है, वंदे मातरम, ये किसने कहा? बाप ने, क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो, बाबा खुश होते हैं, ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है। अंगद का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता, ये अंत के समय की बात है, अंत में ये अवस्था होनी है। उस समय तुमको बहुत खुशी होती है, जब तक विनाश ना हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवताएं आ ना सके। भंबोर को आग जरूर लगनी है, सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों मिसल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं, इसलिए गाया जाता है राम गयो रावण गयो, वापिस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वहां बहुत थोड़े होंगे, यह समझने और निश्चय करने की बातें हैं।
ये नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है, दिल में रहे कि हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है, देही अभिमानी हो रहना है। सेकंड पॉइंट है, निश्चय बुद्धि हो कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, माया से युद्ध कर विजयी बनना, कर्मातीत बनना है, जितना हो सके अपने घर को याद करना है। बाबा ने आज वरदान दिया, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। मन बुद्धि और संस्कार आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होना, जितना बाहर का वातावरण भारी होगा उतना आप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा, कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो वाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो वाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।